नातेदार नातेदार खूब चली नातेदार काय काय जग रहे गावा दे यार माहेल एक बात तो मानना पड़ेगी का? तुम्हारा बुढ़ापा आ गया हाँ। दाढ़ी मूछे सफेद हो गए हाँ? अरे जब जमाना की कछु तो शर्म करो अब का, का है जी देखन वाले का कह रहे सारे बूढ़े हो गए सटे आ गए एक बात बताओ है? इतनी मजाक करी बहू ना झेली तुम हमारे रिश्तेदार हो हाँ हाँ रिश्तेदार रिश्ते में तुम हमारी बहनों ही हो हाँ हाँ रिश्ते में हम तुम्हारे जीजा है क्या भक्ति हो तो ऐसे नहीं कहा जाता ये कहा जाता है रिश्ते में हम तुम्हारे बहनों ही हैं हाँ, हम तुम्हारे तुम हमारे बहनों ही हम तुम्हारे जीजा हैं अरे बहुत मजाक करते पहले ये अच्छा एक बात बताओ नातेदार हाँ तुम्हारे मुसलमान धर्म में हाँ ऐसी कोई जगह है जहाँ जाते नहाते शरीर के सब पाप दूर रह जाए देखो ऐसा है कैसो हमारे दीन भाइयों में जो गुनाह करता है गुनाहपुरी नाते ही बहन को नातेदार मान लगते हो गुनाहपुरी पे पहुंच गए हम लोग जो भी दीन भाई हैं गुनाह का मतलब पाप तुम्हारे हिंदू धर्म में पाप कहा जाता है तुम्हारे यहाँ गुनाह हमारे यहाँ गुनाह कहा जाता गुना है गुनाह मीठो हो तू है पाप करुओ हो तू है तो वो सभी हम लोग दीन भाई कोई मक्का मदीना जा रहा है कोई आबे जमजम जा रहा है कोई अजमेर शरीफ चला जा रहा है कोई कलियर शरीफ चला जा रहा अरे है एक बात बताओ तुम तो सब शरीफ में घुस गए एक आध अमरूद अरे यार बात सुनो नातेदार कोई अजमेर शरीफ जाए हाँ या कोई मक्का मदीना जाए हाँ और कोई मना करे हाँ तो कितो पाप हाँ बहुत बड़ो पाप गुना बहन को नातेदार मारू बहुत बड़ो गुनाहपुरी गुनाहपुरी कर रहे हो अरे हमारे पाप बड़ो पाप डबल पाप और हिंदू धर्म में सबसे बड़ी गंगा जी हाँ हिंदू धर्म में सुना है सबसे बड़ी गंगा जी अगर गंगा जी कोई जाए और कोई नहीं करे तो कितो पाप बहुत बड़ा गुना होता है बहन की कछु नाय गुनाहपुरी में घुसे रही हो तुम जिंदगी भर गुना नाय पाप बड़ो पाप डबल पाप पाप के ऊपर ये पाप के ऊपर पाप ये भी पाप है अब उदल जा रहा हूँ गंगा स्नान कर भी हाँ और आला कर रहा हूँ मने अगर उदल को आज्ञा न मिली वो जिद्दी वैसे तलवार मार के मर गो उधर तो जिद्दी है तो त्याई तो जब पजमिया फटी धरी है ध्यान कर ले आ भक्ति हो पजमिया हाँ। हमारी पजमिया से क्या रिश्ता हाँ, उधर मर गो पजमिया फट जाएगी त्याई तो आला ने क्या कहा आला गुस्सा में बैठो भाई समझा दे और आज्ञा दिवा दे भाई गंगा स्नान को बोले थे आओ तुम धोया चले तुम्हें बहुत करे पाप अरे ये सब सुन रहे होंगे वो तो जवानी में सभी करते हैं अरे हमने तो कतई ना करे तुम तो अब ना छोड़ रहे हो सब तो पहला सीट कवर कर ले तो यार अरे यार माहेल अरे यार माहेल अब बुढ़ापा हमारा तुम्हारा ये लोग सुन रहे होंगे क्या समझ रहे होंगे अच्छा तो ठीक है कहां है आला कहां है दरबार में बैठो ठीक है तुम चलो चाचा जी अस्सलाम वालेकुम चाचा जी आज एक बड़ा कठिन समस्या नजरों के सामने आ चुकी है क्यों बुलाया आला के चाचा जी तालन मेरे और कोई बन रच के
जी उदल जो है वो गंगा जी के जिद कर रहा है, कहो आपकी इसमें क्या सलाह है? आला हाँ, उदल तो बहुत जिद्दी है, ये तो सभी जानते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? और तुमने कहा हमारी क्या सलाह है? जी हाँ, सच कहा है, एक से भले दो, दो से भले तीन। हाँ हाँ, भले एक से तीन। चाचा जी उदल को बुलाओ, एक काम करिए, हाँ। 1000 सेना को तैयार करवाइए, हाँ। ढेबा को साथ में ले जाओ, तुम भी जाइए, तुम्हारे बास बेटे भी जा रहे हैं साथ में, लड़के जा बुलाओ उदल को, मैं आज्ञा दे रहा हूँ। उदल को बुलाओ, उदय राज, चाचा जी के कहने से तुमको आज्ञा दी जा रही है। मेरे में जा रहा हो, वहाँ पर अपना प्रदेश है, कोई एक कहे तो सुन लेना, अगर दो कहे तो सुन लेना, तीन भी कहता है फिर भी सुन लेना, झगड़ा नहीं करोगी भैया। हाँ, एक कहता है मैं बर्दाश्त करूंगा, हाँ। दो कहता है सुन लूंगा, हाँ। गर तीसरी कहने का इरादा किया तो तलवार, क्या बात है, क्या बात है, तुमने को सुना वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई ये कहेगा तो सुन लूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, दो कहेगा तो सुन लूंगा, ठीक कह रहा है, अगर तीसरी कहेगा तो तलवार थाम दूंगा, ठीक कह रहा है, क्या ठीक कह
रहा है? ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। एक बात बताएं, हाँ, तुम गुस्सा में तुम्हारा दिमाग काम ना कर रहे हो। हाँ, ठीक कह रहा है, तुम भी कहने लगो ठीक कह रहा है। तुम्हें आएगा बुढ़ापो, और बुढ़ापे में क्या ही बुद्धि फुद्धि सब मारी गई। कई कई दूसरी कहेगो बर्दाश्त कर ले। हाँ, कई 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 और तीसरी कहेगो तलवार म्यान में ठान चाहिए। कहा है यही तो कह रहा आओ हटिए मामा जी, आप पीछे हटिए, उधर आ भैया, तुमको आज्ञा दी जा रही है, लेकिन खामोशी के साथ में निकल जाना महलों में, मोहब्बे में, और किसी से कहने की जरूरत नहीं। ठीक ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगा, जा सकते हो। बहुत अच्छा, क्या बात है, मामा हो तो ऐसे ही, जो नेको तसल्ली का भाई दरबारे में था सब लोग। अरे तो बताइए मामा, कब तक सुनता रहूं? अरे भले आदमी अकल के कोलू, दुनिया जा कह दे हम सब बर्दाश्त करेंगे, मैं एक को बर्दाश्त मत करियो, चले जा ठांस दीजो। हाँ, ये बात सर। अब एक काम कर, कहाँ चलो, कहाँ चलो गंगा जी? अरे यार बड़ा जल्दी में हो तुम। फिर क्या बात? अब तू जा पाई भाभी मछला के पास। क्यों? और तेरी भाभी जादूगरनी है, बापा जादू को काजर है, वो काजर अगर तेरी आँख में लगेगा बेटा, माँ जादूगरनी बहुत आती है, अगर वो आँख में काजर लग जाएगा तुम पे कहोगे जादू न चलेगो। दूसरी बात, पूरा मेला तो देखेगो, और जब पूरा मेला तो देखेगो हम तेरे संग में, हमें कोई टुकड़िया देख लेगी है मामा जी। हाँ भैया ने आज्ञा दी गई तो मुझसे मने कर दिया, जब महबे में या मेलों में किसी से आप ये नहीं कहेंगे कि मैं गंगा स्नान जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं काऊ तो काऊ मती काजल लगाए के चुपचाप लौटी हूँ। और भाभी ने पूछा, अरे भाभी तो जा कह दियो हम जा रहे, काजल लगाए दे तुम्हें क्या मतलब है? हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तो आप जाना नहीं? अरे लला ने के जल्दी हुई हो नहीं तू, और तेरे को चक्कर खराब हो तो नहीं, चक्कर में पर भी निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, मैं अभी वापिस आता हूँ। क्या बड़ा श्री गंगे मैया की जय। अरे बेटे इंदल, कहिए माता जी। ये कहाँ के जयकारे लग रहे हैं? ये माता जी गंगा जी के जयकारे लग रहे हैं। गंगा जी के? जी। तो अपने घर से कोई जा रहा है? अपने घर से अपने चाचा जी जा रहे हैं। बन गया काम, तुम्हारे चाचा जी आ रहे हैं? जी। जाओ उनके हमारे पास बुला कर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा, जल्दी जाओ। चाचा जी के चरणों में इंदल का प्रणाम। प्रसन्न हो, कहिए बेटा। चाचा जी आपको माता जी ने महलों में याद किया है। क्या तुम्हारी माँ ने बुलाया? जी। अरे उससे तो काम मुझको भी बहुत जरूरी है, जल्दी आइए। मैंने कहा भाभी जी को प्रणाम स्वीकार। खुश रहो देवर जी, फलो फूलो खुश रहो, हमेशा सुखी रहो। आओ आओ देवर जी बैठो। नहीं नहीं बैठा हूँ। अरे इस पे बैठो, इस पे बैठो। क्या कर रही हो? मैं ये कर रही हूँ, आप इतना बंधन के कहीं जाने का इरादा है क्या? अरे वो, अरे वो, हाँ भाभी, अरे कहीं नहीं, वैसे कपड़े पहन लिए और क्या बताऊँ, कुछ नहीं, कोई बात खास नहीं। अच्छा, और आपसे मैं कुछ काम से आया हूँ। क्या काम से? आज अपने हाथों से हमारी आंखों में आप काजल लगा दी। हाय दैया, क्या हुआ? लगवाने आए हो काजल? हाँ, तुम तो मजाक में ले जाते हो। बातें ऐसी करती हो जी, दिल घबरा जाता है। लगा दो। तो हमारी डिबिया ही क्या लगाओगे काजल? विचार तो ऐसा ही। अरे मैं सही कह रही हूँ, तुम्हारा नया घर ना होकर फुलवा बत्ती से लगवा लेते। नहीं 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 भाभी, जब और से आपके हाथों से मैं लगवाता रहा तो इसलिए दिल नहीं मानता है। तो अब भी लगवाओगे काजल? हाँ, हमें काम, हमें का पता ना मानो लगवाए ना, जल्दी करो। काजल अंदर घुस गया। डिबिया बहुत अच्छी जगह रखी है, मोड़ी नहीं लग जाएगी डिबिया में।
जोकर बना दिया, इसमें भी तो लगाओ। किसमें लगा? इस तरफ। इसमें नहीं लगाऊंगी। क्यों? जब तक आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि कहें के लिए जा रहे हो। हाँ भाभी। हाँ मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा, मैं इस समय गंगा स्नान जा रहा हूँ, मेला के लिए आपको कुछ मंगाना हो तो मंगवा सकती हूँ। मंगवाना नहीं है, कुछ कहना है आपसे। देवर जी भाभी, ऐसा दिल बार बार नहीं आता है, और एक राय में चार काम हो रहे हैं। इंदल का मुंडन भी हो जाएगा, देवी के दर्शन भी कर लूंगी। हाँ। और गंगा स्नान कर लूंगी, जाके देख लूंगी। एक पंथ दो काज। हाँ भाभी, कहने में और करने में बहुत फर्क होते हैं। क्यों, ऐसा क्या है? कोई भी कार्य करने से पहले हर बात को सोचना समझना बहुत जरूरी होता है। इसमें सोचने की क्या बात है, इंदर को मुंडन कराऊंगी, दर्शन कर लूंगी। एक बात कहूंगा आपसे। हाँ कहिए। सुनो। सुनाइए।